तो अभी भी जाकर काफी बच्चे इसी बात के साथ परेशान है, और काफी बच्चे का डाउट ये आ रहा है कि भैया क्या अभी भी कुछ चांस है कि नीट का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। हालांकि कल हम लोगों ने तुम्हारे लिए यार काफी हेल्प करने की कोशिश किया था चैनल ट्वीट करके, और बाद में जब हियरिंग हुई थी तो हम लोग तुम्हारे लिए लाइव भी आए थे ताकि तुम्हें सारी चीजें पता चल सके। लेकिन अभी भी काफी बच्चे टेंस है, काफी बच्चे परेशान है, काफी बच्चे अभी ट्वीट कर रहे हैं। अभी भी ट्विटर पर देखोगे तो ट्रेंड कर रहा है #reschedule NEET UG को लेकर के। तो क्या है, क्या कुछ चांसेस है कि नहीं, बिना टाइम वेस्ट के हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि तुम्हें पता ही है कि यार सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ था वो ट्यूसडे को हुआ था, उसके बाद जाकर के जो है वो फ्राइडे को हुआ, और अब बात चल रही है कि मंडे को जो होगा वो लास्ट हियरिंग होगा, और मंडे को जो है हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा जो है फ्राइडे को जो हियरिंग हुआ था उसमें जगह जो मुद्दा जो निकल के आ रहा था, जितनी कंक्लूजन पता चल रहा था उसमें यही बात चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि CBSE एग्जाम ही पोस्टपोन होगा। तो अभी तक यही है, हालांकि बच्चे लगे हुए हैं, टीचर्स सब लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, हम भी ट्वीट लगातार करें ताकि बच्चों के फेवर में डिसीजन आ सके। पता नहीं क्योंकि इससे पहले भी जो है वो CBSE का जो एग्जाम डेट है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किया था, फिर से जाके के उसी को जाके पोस्टपोनमेंट हो रहा है, वो सही नहीं है। 10-15 दिन का गैप देना ही चाहिए, बाकी हम लगे हुए हैं। बस तुम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि चांसेस बहुत कम है, कि 90 से लेकर 95% चांसेस यही है कि हमारा जो नीट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, CBSE का एग्जाम पोस्टपोन होगा। हालांकि हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मंडे को हमारा फाइनल हियरिंग होगा, मंडे को जब हियरिंग हो रही होगी तो हम लोग लाइव आएंगे ताकि तुम्हें सारे डिसीजन मिल सके, ठीक है। बट कहने का मतलब ये कि अपनी स्टडी करो, क्योंकि स्टडी अगर वेस्ट करोगे 12 तारीख को अगर एग्जाम होगा तो फिर जाके कहीं के नहीं रह पाओगे, ठीक है, फिर एक साल जाकर ड्रॉप हो जाता है। सो इसीलिए अपने स्टडी पर लगे रहो, बाकी जो भी चीज़ आएगा तुम्हें चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड में ताकि आपके फ्रेंड के भी सारे डाउट क्लियर हो जाए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अभी कितने बच्चे चाह रहे हो कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन तुम लोग ट्वीट मत करो, अपने स्टडी पे ध्यान दो, हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।